क्या एक किसान ट्रेडिंग कर सकता है? क्या एक किराने की दुकान चलाने वाला ट्रेडिंग कर सकता है? क्या एक 9 to 5 जॉब करने वाला व्यक्ति भी ट्रेडिंग कर सकता है? या ऐसे व्यक्ति जिनको बाज़ार में कुछ भी समझ नहीं है अभी, या कुछ भी अभी उनको पर आइडिया नहीं है, वो कितने दिनों में ट्रेडिंग सीख सकते हैं और कितने दिनों में के बाद वो ट्रेडिंग कर सकते हैं? इन सारों सवालों का जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आता है उसको दबा दीजिए ताकि अपलोड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो हम इसमें आज देखेंगे कि जो नॉर्मली किसान व्यक्ति है बेचारा, जो बहुत मेहनत करता है, संघर्ष करता है, क्या वो ट्रेडिंग सीख पाएगा? और यदि हाँ तो कैसे सीख पाएगा, उसको क्या क्या करने होंगे, और वही नियम उन लोगों पे लागू होंगे जो किराने की दुकान पे बैठे हैं, जो 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों का मैं ओवरऑल आपको रिव्यू करके बताऊंगा कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप वो व्यक्ति प्रोफेशनली ट्रेडर बन सकते हैं और अपने पार्ट टाइम इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, तो शेयर बाज़ार जो है वो नॉर्मल बिज़नेस की तरह ही एक तरह का बिज़नेस होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत अलग एक्सपर्ट बनना आपको ज़रूरी है, ठीक है। जैसे किराने की आप दुकान चलाते हैं, तो मैं आपको उसमें बताना चाहता हूँ कि जैसे किराने की दुकान आपने लगाई, आप महीने भर किराने की दुकान पर बैठेंगे तो आपको मोटा मोटी ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कौन सा सामान इसमें ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा इसमें कम बिक रहा है। यानी कि आपने अगर गांव देहात में लगा रखी है तो आपको पता है कि वहाँ पर बीड़ी हुई, तंबाकू हुआ, सिगरेट हुआ, पान मसाला हुआ, या जो डे टू डे वाली जो रूटीन की चीज़ें हैं उनमें से कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा बिकेगी। हालांकि मान लीजिए आपने 200 तरह के आइटम रख रखे हैं, तो 200 तरह के आइटम बराबर क्वांटिटी में और बराबर रुपए की वैल्यू में, जैसे मान लीजिए एक आइटम 200 रुपए का बिक रहा है, तो सारे 200 आइटम 200 रुपए में नहीं बिकेंगे, ये समझने वाली बात है। पर मैं शुरू दिन ही आपको नहीं बता पाऊँगा दुकान में बैठ के कि यार मुझे दुकान में ये सामान ज़्यादा रखना चाहिए या ये सामान कम रखना चाहिए। आप 15 दिन, महीना भर, 2 महीने अगर आप लगातार दुकान पर बैठते हैं तो आपको मोटा मोटी अंदाज़ा हो जाता है कि ये फला सामान, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के लिए बात करते हैं, 10 तरह की सिगरेट के ब्रांड आते हैं, ठीक है। तो 10 तरह की सिगरेट के ब्रांड में से 10 तरह की सिगरेट बराबर इतना नहीं बिकेगी। हो सकता है उस एरिया में कौन सी सिगरेट ज़्यादा पीते हैं लोग, लोगों को कौन सा फ्लेवर पसंद आता है। तो आप अगर 1.5 महीने आपने लगातार सिगरेट बेची तो आपको मोटा मोटी अंदाज़ा हो जाता है कि इस ब्रांड की ये सिगरेट ज़्यादा बिकती है। ठीक वैसे ही नमकीन में हो जाता है, ठीक वैसे ही और जो FMCG गुड्स होते हैं और सारी चीज़ों में आपको पता चल जाता है। शेयर बाज़ार में भी ठीक ऐसा ही है। आप 1.5 महीने 2 महीने लगातार आप बाज़ार से जुड़े हुए रहते हैं। अब लगातार जुड़े हुए रहते हैं ऐसा ये मतलब नहीं है दोस्तों कि आप जो वर्तमान में काम कर रहे हैं तो उसको आपने छोड़ दिया। आप अगर डेली 1 घंटा या 15 मिनट भी देते हैं, जैसे कि हमने एक टेलीग्राम सर्विस शुरू करी है, उसमें जो नए ट्रेडर हैं या जो नए व्यक्ति हैं जो ट्रेडिंग का कैप से पैसा कमाना चाहते हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं लेकिन उनको सही रास्ता नहीं पता है, वो इच्छुक है करने के लेकिन सही रास्ता पता नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप क्या हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम भी एक अच्छे ट्रेडर हो सकें और लाभ कमा सकें शेयर बाज़ार से, तो हमने टेलीग्राम का चैनल बना रखा है। उसमें यदि आपको भी उस चैनल से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमने कुछ किताबें भी आपकी मदद के लिए बना रखी है हिंदी में, जैसे कि शेयर बाज़ार में जो बेसिक नॉलेज होता है उसकी हमारे पास करीबन 200 पेज की बुक है हमारे पास। आप उसको वेबसाइट पर जाके या नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ के भी मांग सकते हैं, तो हम उसकी पूरी डिटेल आपको बता देंगे फ़ोन करके, मैसेज के थ्रू या व्हाट्सअप के थ्रू, जिससे आपको पता चल सके उसकी कीमत के बारे में, कितने दिन में आपको डिलीवर हो जाएगी, डिलीवरी मोड उसमें क्या रहेगा। तो शेयर बाज़ार का बेसिक नॉलेज आप ले सकते हैं। बेसिक अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि टेक्निकल और फंडामेंटल दो बेस पे हम ट्रेड कर सकते हैं या निवेश कर सकते हैं। उन दोनों के मॉड्यूल भी देश में पहली बार हमने हिंदी में प्रोवाइड करवाए हैं और फुल लेटेस्ट चार्ट अवेलमेंट के साथ। अब लेटेस्ट चार्ट का ये मतलब है दोस्तों कि अभी चल रहा है नवंबर और नवंबर में 12-15 तारीख तक जो चार्ट्स बने हुए हैं कंपनियों के, वो चार्ट्स हमने उस किताब में अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं 2015 के या 13 के आपको चार्ट मिलेंगे जो बाकी किताबों में मिलते हैं, एकदम लेटेस्ट आपको चार्ट मिलेंगे। यदि आप दिसंबर में आर्डर करते हैं तो आपको नवंबर के चार्ट्स उसमें मिल जाएंगे, एकदम पिछले महीने के, यानी कि रिसेंटली जो लेटेस्ट बोल सकते हैं रिसेंट चार्ट आपको मिलेंगे, ताकि आपको जब भी आप, जैसे मान लीजिए दिसंबर में आपने ऑर्डर बुक करी, आपने मोबाइल ऐप में या डेस्कटॉप पर आपका ने चार्ट खोल लिया, ठीक है। अब चूँकि दिसंबर में आपने खोला है तो नवंबर का चार्ट तो उसमें दिखेगा ही सही, तो आपको चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी हो।
हम भी दोस्तों अन्य लोगों की तरह चाहते हैं तो 2015-13 2010 का डाटा उसमें दे सकते थे, लेकिन हमने देश में पहली बार ऐसा किया है कि लेटेस्ट चार्ट देने की कोशिश की है। और दोस्तों यदि ये प्रयास आपको पसंद आता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या है दोस्तों कि समझने में अंडरस्टैंडिंग अच्छी मजबूत होगी आपकी और समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है। और दोनों मॉड्यूल हमारे पास हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल के। उसके पहले टेक्निकल और फंडामेंटल के पहले जो बेसिक का है उसका मॉड्यूल भी हमारे पास हिंदी में अवेलेबल है। तो आप या तो उन किताबों का सहारा लेके आप बन सकते हैं, या फिर आप इतने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ये वादा है हमारा आपसे कि इस चैनल पर अगर आप 3 से 6 महीने तक जुड़े रहेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे भी जुड़े रहेंगे, लेकिन कम से कम अगर आप 3 से 6 महीने भी इस चैनल पर जुड़े रहें तो एक अच्छे ट्रेडर बन के आप बाहर आएंगे। और आपको पता चल जाएगा 3 महीने 6 महीने बाद कि आपने इस चैनल से क्या क्या सीखा और वो आपकी जो रियल लाइफ है उसमें उसने कितना चेंज किया है या कितना मोटिवेट किया है अपने आप को। तो ये जो मैंने आपको रास्ते बताए, आप बुक पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब पे मेरा चैनल देख सकते हैं, आप पेपर पढ़ सकते हैं, आप न्यू बिज़नेस चैनल्स जो होते हैं उनका सहारा ले सकते हैं और चीज़ों को आप नॉलेज आप गेन कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों बुक्स भी है, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं, उसकी जानकारी भी वेबसाइट पे है और टेलीग्राम लिंक पे भी हम बार बार उसको अपडेट करते रहते हैं ताकि कोई दोस्त हमारा अगर ट्रेनिंग लेकर सीखना चाहे या उसको अगर थोड़ा बहुत अभी बेसिक पता है और वो टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रेनिंग सेशंस चलते रहते हैं, उसका भी जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है दोस्तों, वो भी ले सकता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी, आप किताबों का सहारा लेके सीख सकते हैं, आप ट्रेनिंग से सीख सकते हैं, आप मेरे वीडियो देख के भी सीख सकते हैं। और 3 महीने यदि आप रेगुलरली आधा घंटा 15 मिनट या 1 घंटा देंगे तो 3 महीने बाद आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी स्टॉक मार्केट में और आपका जो नज़रिया रहेगा स्टॉक मार्केट के प्रति वो पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि लोग अभी बहुत सारे लोग इसे बोलते हैं जो इस बाज़ार से उन्होंने कभी ज़िंदगी में एक शेयर भी ट्रेड नहीं किया, खास करके जो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में, मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तक कि जहाँ तक जिस गांव में जिस शहर में लोग ट्रेड नहीं करते या शेयर मार्केट में जुड़े नहीं हैं, उन लोगों ने भी उनके बाप दादाओं से ये बात सुनी हुई है कि अरे भैया शेयर बाज़ार सट्टा है। हालांकि उन्होंने रियल लाइफ में कभी ज़िंदगी में एक रुपये भी नहीं लगाया, लेकिन उन लोगों की कहा सुनी दंत कथाओं पर विश्वास करके मान लेते हैं कि शेयर बाज़ार सट्टा है, जबकि उन्होंने अभी तक एक रुपये का भी ट्रेड नहीं लिया। तब उनको कैसे पता कि ये सट्टा है, मार्केट है, बिज़नेस है? अब मैंने मान लीजिए आज तक 4 व्हीलर चलाया ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर से तेज चलता है या धीरे चलता है या अच्छा चलता है बुरा चलता है? अब अगर लोगों ने सुना रखी है गाँव में और मैं भी अगर वही बात बोल रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं दंत कथाओं के आधार पर अपना रिव्यू देता हूँ और अपना ओपिनियन फॉर्म करके मैं आपको बता देता हूँ जो कि सही नहीं है। तो दोस्तों एक बार ट्राई कीजिए, अगर यदि आपका ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप फ्री में उसमें जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है तो अभी अगर आप उसके थ्रू अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको एक पैसा भी नहीं देना है, आपको एकदम फ्री में निःशुल्क में आपको अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया होगा मुझे उम्मीद है, तो लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे आप। और चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप शेयर बाज़ार आसानी से हिंदी में सीख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों।